सर बोले सर। हाँ, गाइए गाइए इरशाद। पहले तो हमारे माननीय गुरुजी को चरण स्पर्श और हमारे सभी छात्र छात्राओं तथा गुरुजी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छा तो आपको शायद ना लगे, लेकिन चलिए फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। चलिए सुनाता हूँ मैं। मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मुझे मिला है दुनिया मेरी हमदम। तो आसमां मिला जमीन को मेरे आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू सर। बहुत बढ़िया आयुष तिवारी, मजा आ गया। अभी तुमसे एक गाना और सुनेंगे और लोगों को भी कह दिया, मैसेज कर दिया कि आ जाए। तब तक आर्यन सैनी, तुम कुछ सुनाओ भाई। बढ़िया, सर हम भूल सुनाएंगे। सर क्या सुनाओगे? बाद में सुना। बाद में सुनाओगे? कई जने है, ये है ना, सुना होना खत्म करो। जो नहीं सुन पाएगा वो लोग पछताएंगे। मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, इन लोग दूंगा नहीं। जो जो नहीं आएगा क्या कहते हैं प्रोग्राम, वो नहीं सुन पाएगा। बढ़िया कुछ सुना दो, कहो तो रिकॉर्डिंग बंद करने की जरूरत मत, अपलोड नहीं करेंगे। जो मन कहे तो सुना दो, कोई यस कमेटी सर, बनाती है तो सुना दो। अरे यस सर, गाना ही सुना दे रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, सुना। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का वतन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जान मन जान मन जान मन, इसके लिए मेरा दिल मेरा है मेरा मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जान मन जान मन जान मन। सर ठीक है ना? सर हो गया दो लाइन सर, तो 2 लाइन था कुछ और सुनाओ फिर, तो कॉमेडी सुना सर। दो, सर कॉमेडी नहीं सर, यही गाना याद किए थे। शायरी कोनो शेरो शायरी सुना दो। अच्छा नहीं सर आती हमको, हमको गाना ही आता था सर। अच्छा चलो भाई, सपना। सपना से सुनिए, उसको गाना अच्छा आता है। हाँ अब आ रहे सपना कर, सपना बढ़िया गाना सुनाओ तुम, ऐसा सुनाओ कि आज जीत जाओ। सर इतने और किसी से सुन लो अभी, मैंने तो तैयारी नहीं की। तुमको तो बहुत तैयार, तुम पता है एक को अपना भेजी थी ना, जाओ सर उसको तो रहने नहीं दो, जब इन लोगों ने कुछ नहीं भेजा तो मेरा वीडियो क्यों दिखाओगे?
मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा, और लोगों ने नहीं भेजा इसीलिए, और लोग इसीलिए तुम्हारा नहीं दिखा रहे हैं, सब वंचित रहेंगे, है ना। हाँ तो कुछ ऐसे देश के बारे में बताओ पहले, तुम्हें क्या लगता है कि देश अभी आजाद हुआ है कि नहीं हुआ है? हम्म, देश सच में आजाद हुआ है कि झूठ में अभी कुछ कमी? देश की आजादी हो गई, ये तो सुना ही नहीं रही है आर्यन। सर गाना सुनिए, आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है, हाँ सपना तुम गाना सुनाओ। आज क्वेश्चन, आज आजादी है, आज कोई कुछ नहीं, ना तीन चार लाइनें ही याद। सुनाओ सुना, वही सुना दो। सुनाओ थैंक यू सर ये मौका देने के लिए। ऑल फ्रेंड्स, हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां बोले सुहाने देखी, हर जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पर मर मिट जाना, हर जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। बहुत बढ़िया था अपना, तुमने अपनी मधुर आवाज में बढ़िया सुनाया। अब आए हैं हमारे पास विकास, जो अपने पास बहुत अच्छा गाना लेकर के आए हैं और हम लोग सुनाएंगे। विकास, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे सावित्री बाई फुले के बारे में, बताना चाह रहे थे, स्पीच देना चाह रहे थे। क्यों विकास? स्पीच देना चाह रहे थे ना? अरे बोलेगा सर एक्चुअली सर मैं अभी मार्केट में हूँ सर, मैं 5 मिनट का सर टाइम दीजिए सर, मैं घर बॉस कर मैं इसमें स्टार्ट कर। ठीक। और कहाँ है वो लोग, अंजलि और क्या नाम है, और जो बच्चे हैं निशा वर्मा, ये सब कहाँ गए? इनका तो पता नहीं है, ये सब घोड़े टाइमिंग तो नहीं दिखाना चाहते। अंजलि तिवारी, चलो गाना सुनाओ। अंजलि गाना सुनाओ, सर नेटवर्क खराब है, तबीयत भी खराब है सर। सारा कुछ हो जाएगा अभी तुम्हारा, है ना, जब गाना सुनने कह दो तब, है ना। नहीं सर सुना दूंगी कब? अभी ही, बस 2 लाइन सर। हाँ सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ। सुनाओ, स्टार्ट करो। कौन सा गाना है? कौन सा गाना है भाई? अरे ए वतन है सर, ए वतन। वाह, बहुत बढ़िया गाना है। फिर शुरू करें? और क्या, कब से इंतजार कर रहे हैं, शुरू करो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम क्लियर आ रहा है। सर फिर शुरू करते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
मैं जहां रहूं मैं जहां याद रहे तू, मैं जहां रहूं मैं जहां याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, वतन वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ मैं जहाँ याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद, जय भारत सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तुम्हारी बात सपना की बात काफी मैच करती है ना? और कोई नया बंदा आया? नहीं आया सर हम और राजेश भैया बेसुरे हैं क्या? है? नहीं, बेसुरे नहीं हो, दोनों लोग की आवाज मैच नहीं करती। इन दोनों की आवाज देखो मैच करती है, एक जैसी आवाज है ना, इसलिए हम कहते। बाकी तुम दोनों बहुत बढ़िया गाए, सब लोग बढ़िया गाए हो, मजा आ गया है ना। अब कोई कॉमेडी वोमेडी जानता हो तो कुछ सुना दे, चुटकुल्ला उटकुल्ला। किसी को आता है? आयुष तिवारी को बहुत चुटकुल्ले आते हैं। क्यों आयुष, चुटकुल्ले जी सर, आते हैं? नहीं सर, चुटकुले नहीं सर। विकास आए तुम अभी? नहीं आया होगा अभी मार्केट में अपना। सर मैं सुना हाँ, सुनाओ सुनाओ। चमकते दांत मोती से दिखलाते जाइए, आप हंसते जाइए औरों को हंसाते जाइए, चमचमाते दांत मोती से दिखलाते जाइए, आप हंसते जाइए औरों को हंसाते जाइए, अगर किसी का टीवी न चले तो क्या करना चाहिए, टीवी को उठाकर फोड़ देना चाहिए, चमचमाते दांत मोती से दिखलाते जाइए, आप हंसते जाइए औरों को हंसाते जाइए, अगर किसी के घर में आग लगी हो तो क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल छिड़क कर भाग जाना चाहिए, चमचमाते दांत मोती से दिखलाते जाइए, आप हंसते जाइए औरों को हंसाते जाइए, अगर किसी के मम्मी पापा लड़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, दोनों के हाथ में डंडा देकर भाग जाना चाहिए, चमचमाते दांत मोती से दिखलाते जाइए, आप हंसते जाइए औरों को हंसाते जाइए। जय हिंद। बहुत बढ़िया, ये था गाने के साथ में चुटकुला, दोनों का कॉम्बो था, है ना। बहुत बढ़िया कॉम्बो था दोनों का। विकास तुम घर पहुंच गए, तुम ही बचे हो। सर बस 1 मिनट, सर 1 मिनट। आओ आओ आराम से आओ, दौड़ के ना नहीं पता सामान गिरा दो, फिर से भागना पड़े। आजादी के दिन गुलाम बना दिए जाओ, घर में बंद कर दिए जाओ। तब तक आ रहे सैनी, कुछ सुनाओ यस तब सर तक। बोल। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गवाई थी, न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, ये धरती भी हमारी थी, ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था, मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष तिवारी, एक तो तुम भी ऐसे ही नहले तहला। सुनो, तुम एक काम करो, अपने जीवन की कोई रियल कहानी बताओ जिसमें तुमको बड़ा हंसी आई हो खुद के ऊपर। मोए 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 जब तुम्हारा हो गया हो कभी ऐसा।
जी सर, हो चुका है सर। हाँ तो वही वाली कहानी सुनाओ असली। एक्चुअली में हुआ था सर ये कि कानपुर में जब था सर, क्या हुआ तो था? सर मैं क्या कर रहा था सर, सर बुआ लोग आए हुए थे घर में, बुआ लोग। हाँ आंटी तो नहीं बगल में बैठी हेलो। थी पूछने तुमको? नहीं सर, सबको मालूम है सर घर में ये बात। अच्छा तब ठीक है फिर बताओ। हेलो हाँ बताओ बताओ। सर, क्या हुआ था कि वो मेरे को भेजे थे रसगुल्ले लेने के लिए, जाके रसगुल्ले वगैरह ले आओ, और फूफा जी भी सब आए हुए थे, मतलब कि मैं लेने चला गया रसगुल्ले और ले के आ गया सर। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से सर रखा प्लेट वगैरह में रखा हुआ था सर, और सर अचानक से क्या हुआ सर, लाइट चली गई। और सर मैंने क्या करा, मैंने एक रसगुल्ला लेके सर मुंह में रख लिया था, खा लिया। और अचानक से सर एक इंतफाकन की बात देख के सर ऊंचे के घर में और लाइट आ गई, खाते लाइट आ गई। मैं उधर घूम के मैं नहाने लगा तो सर मरा था हूं मैं सर। अब सोचिए सर, छोटे से इतना बड़ा रसगुल्ला मुंह में धरे सर, तो सर क्या ही होगा सर, लाइट आ गई एकदम से। अब वो मम्मी तुरंत बोल रही, ये रसगुल्ला तो अभी किसी ने खाया नहीं, रसगुल्ला कहाँ गया? वो आ गया था सर, क्योंकि सर लाइट गई और आई प्लेट में रखा, क्योंकि सब बातें कर रहे थे सर। बाद में सर क्या करे सर, पता चली गया, सबने देख लिया, वो सब रुका ही नहीं। एक भी पूरा नहीं खा पाए थे तुम्हें? जी सर, हुआ था सर, यही सबसे बड़ी है सर घटना जो हमेशा याद रहेगी सर। नहीं बहुत बढ़िया कहानी बताए तुम। अच्छा और कोई है ऐसे ही जिसमें तुम्हारा, इसमें तो तुम्हारा साफ साफ एकदम मोए मोए हो गया था नहीं सर, और भी रहा है, सर। और सर मेरी वाइफ आ रही है सर। एक्चुअली हाँ विकास आ गए भाई। हाँ बताओ तुम्हारा इंतजार था। सर, ठीक मैं गाना तो नहीं गा पाऊंगा सर, एक आपको स्पीच स्पीच दे सकता हूँ सर। है स्पीच दे दूँ। सर ये ऑनलाइन क्लास तो एक तरह से क्या बोलेंगे, मंच तो बोलेंगे नहीं इसको, मंच तो है नहीं, क्या बोलेंगे सर इसको? किसको? जैसे सर कहीं स्पीच देते थे मंच होता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे संबोधित करते हुए? ठीक हमारे तो सब सामने बैठे हैं। सर। सर मेरा सर जो भाषा रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अरे तुम, हाँ तुम दोनों दोनों भाषा में बोल दो जो तुम्हें सही लगे, लेकिन भाषण के सर लिए पता, ठीक कहावत सुनेंगे ही है ना। सर मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम बुद्धाय भारत भूमि पर सम्मानित ऑनलाइन मंच को मैं नमन करता हूँ। मैं उस देश का नागरिक हूँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सप्तम शिवम सुंदरम कभी वंदे मातरम। वो देश जो कभी शिवम सप्तम शिवम सुंदरम कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थल बन जाता है, और सात समुंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम देश पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं विकास कुमार गोंड, मैं आज एक ऐली ऐसी महिला के विषय में बात करने जा रहा हूँ जो देश की पहली महिला शिक्षिका बनी, और उन्होंने 17 साल के उम्र में पहला स्कूल खोला। मैं एक ऐसी महिला की विषय में बात करने जा रहा हूँ जिनका नाम सावित्री बाई फुले है। सावित्री बाई फुले एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ा, और आज से कई साल
कई वर्षों पहले हमारे समाज में कई सारी बुराइयां थी। उस बुराइयों को खत्म करने के लिए सावित्री बाई फूले ने बहुत प्रयास किया उसको खत्म करने के लिए। उनका विवाह 9 साल के उम्र में कर दिया जाता है। जब उनके अंदर इच्छा होती है पढ़ने का, जब उन्होंने सोचा कि मुझे अब तो पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, समाज में बदलाव लाना है, जब उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना, जब तो उनके पिताजी ने उनके किताबों को फाड़ दिया और बोला, बेटा हम लोग को समाज में पढ़ने का कोई हक नहीं है। तो लेकिन फिर भी सावित्री बाई फूले ने हार नहीं माना। फिर जब सावित्री बाई फूले के हस्बैंड ज्योतिबा बाई फूले को पता चला कि मेरी पत्नी तो पढ़ाई करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उस समय समाज इसका विरोध करता था, महिलाएं अगर पढ़ती थी तो। जब सावित्री बाई फूले अपने हस्बैंड के लिए खेतों में जब उनके ज्योतिबा बाई फूले जब खेत में काम करते थे और सावित्री बाई फूले जब उनके लिए खाना बना ले जाती थी, तो ज्योतिबा बाई फूले उनको पढ़ाते थे, अपनी पत्नी को इसी तरह पढ़ाते रहे। और इसी तरह उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर देश फिर उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास किया। फिर उन्होंने ऐसी कई सारे महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और जब उन्होंने पहला स्कूल खोला तो उसमें 150 बच्चे आने लगे। जब इसी तरह महिलाएं बच्चे पढ़ना शुरू किए तो इतना आसान नहीं था, समाज उनका विरोध करने लगे। और सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने जाती थी महिलाओं को, तो उनके ऊपर टमाटर से मारा जाता था उनको, और उनपे कीचड़ फेंका जाता था कि ये महिलाएं नहीं पढ़ने चाहिए, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, सिर्फ ऊपरी जाति के जो उच्च कोटि जाति के लोग हैं उनको पढ़ने का अधिकार है। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। फिर जो ज्योतिबा बाई फूले ने उन्हें 2 साड़ियां दी कि ताकि तुम, एक साड़ी खराब हो जाए तुम दूसरी साड़ी बदल कर जाना फिर पढ़ना। इसी तरह उन्होंने कठिन परिश्रम किया और झेला इतना मुश्किल, झेलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और महिलाओं को पढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया और कंटिन्यू करते रहे इसी तरह। और इसी तरह हमेशा उनपे, मतलब उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा। जब वो पढ़ाने की कोशिश करती, लोग महिलाओं को पढ़ा अधिकार दिलाने का प्रयास किया तो समाज तो बहुत विरोध किया। इतना प्रताड़ना झेलने के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने उन पे टमाटर फेंक रहे थे, तो सावित्री बाई फूले ने उन्हें 2 तमाचा लगाती है बुलाकर। फिर उस दिन से समाज विरोध करना छोड़ देता है। तो महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। अगर उनपे कोई आ जाता है तो उन्हें डट कर सामना करना चाहिए। हम ऐसे महिलाओं को नमन करता हूँ। और उन्होंने तो आज से कई वर्षों पहले हमारा समाज में बहुत सारी बुराई होती, जैसे कि विडो मैरिज, अगर विधवा कोई औरत है तो उनके साथ बहुत ही गलत काम हुआ करते थे, उनको लोग गलत निगाहों से देखते थे, उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता था, उनको समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई स्वीकार नहीं करता था। लेकिन फिर उनके लिए भी सावित्री बाई फूले ने बहुत काम किया ताकि इनको समाज में रहने का और इनको समाज एक्सेप्ट करें। आज आज से कई वर्षों पहले लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, तो सावित्री बाई फूले ने जिस विद्यालय में पढ़ाती थी वहां खुद अपने ही पैसों से एक कुआं खोदवाया ताकि कोई जिस सम, सभी समाज के लोग उस कुएं के पानी को पी सकें। तो ऐसे महिलाओं को मैं नमन करता हूँ। नारी कभी हारती नहीं, हराई जाती है, बचपन से क्या कहेंगे लोग यह कहकर डराई जाती। मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ, धन्यवाद। बहुत बढ़िया विकास, वेरी नाइस। महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने बहुत बढ़िया स्पीच दिया और इन्होंने जिन कैरेक्टर के बारे में बताया, सभी महिलाओं को निक तरह से कर्मठ और सशक्त होना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत प्रेरणादायक स्पीच था इनका। और
लगभग लगभग सबका हो गया है ना। किसी को कुछ और सुनाना हो तो सुनाइए, बाकी लोग तो आए नहीं आज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अ वेरी गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड डियर माई एंड डियर शाइनिंग फेलो माई फ्रेंड्स, टुडे इज 15 अगस्त। एज यू नो वी हैव प्रेजेंट हियर टू सेलिब्रेट 78 इंडिपेंडेंस डे। दिस डे इज वन ऑफ द प्रीसियस डे फॉर एवरी इंडियंस बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस सक्सेसफुली ऑन 15 अगस्त 1947। टूडे इज 15th of August एंड वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर टू रिमाइंड आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड आवर नेशन। आई एम विकास कुमार, वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑन द बिहाफ ऑफ आवर इंटायर आवर ऑनलाइन entire family. My dear friend, the reason behind celebrating this day is our country got fully freedom from Britishers. De salami is tirange ko jisse teri shaan hai. De salami is tirange ko jisse teri shaan hai. Sar hamesa uncha rakhna iska jab tak dil mein jaan hai, jab tak dil mein jaan hai. Jai Hind sabhi ko. बहुत अच्छा विकास, तुमने दोनों भाषा में बढ़िया आग लगा दिया। और किसी के दिल में कोई उद्गार, कोई कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना बोलना चाह रहा है, सुनाना चाह रहा है तो सभा समाप्त की जाए। कोई नया आया, सर नीरू आ गई। नीरू आई, बड़े लास्ट में आई, बड़ी देर में आई है, तो पूरा सुने नहीं पाई सबका कलाकारी। अब आई है, खुद अपना सुनाएगी। नहीं सर, मैं अभी घर आई थी हॉस्टल से, मैंने कुछ नहीं तैयार किया। तो यहाँ पर तुमसे स्पीच नहीं सुना जाएगा, है ना? जो तुमको आता हो वही सुना दो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आता मुझे तो। भी नहीं आता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कुछ भी नहीं आता हो। अच्छा तुम कोई जोक सुना दो। कुछ नहीं मंजिल उन्हीं आता। को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती वाह 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 वाह, सब कितना बढ़िया ये मेरी बढ़िया। हाँ, तो इसने सुना दिया बस। तुम अपने जीवन की कोई, जैसे अभी कहा तुमको थी नहीं, अभी हर किसी के जीवन में कभी न कभी कुछ मोए मोए होता है। मोए मोए मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, सोच रहे थे कुछ हो गया कुछ, है ना, उसमें फनी कुछ होता है। तो ऐसा तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ हो, फनी इंसिडेंस लाइफ में, रियल लाइफ में, है ना? या तुमने किसी का बढ़िया से उल्लू बनाया हो, है ना, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, तो वो सुना सकती, जीवन की वास्तविक घटना। सर एक समय की बात है सर, आज से कुछ साल पहले सर मुझे 500 रुपीज दिया गया कुछ सामान लाने के लिए, और मैं वो 500 लेकर मैं मार्केट जाता हूँ सामान लेने के लिए, और वो 500 मेरे हाथ में ही पैसा वो रहता है, और मैं परेशान हो जाता हूँ वो पैसा कहाँ गया, और मैं पूरा मार्केट भर खोजता रहता हूँ वो पैसा कहाँ गया। जब मैं पॉकेट में खोजता हूँ, सड़क पर खोजता हूँ, और जिस रास्ते से मैं गया तो उस रास्ते पर खोजता हूँ पैसा कहाँ गया कहाँ गया, फिर लास्ट में मैं रोने लगता हूँ। उसमें मैं छोटा था क्योंकि 500 वो वैल्यू बहुत ज्यादा था, और और मैं थक जाता हूँ और रास्ते पर ही रोते आता हूँ, घर पर मैं जाऊंगा तो बहुत मार खाऊंगा। फिर मैं घर पहुंचता हूँ तो फिर सबको बताता हूँ कि 500, तब डर लग रहा था कि बताऊंगा तब डांट सुनना पड़ेगा कि 500 मैंने खो दिया। और मैं इसमें छोटा था सर, 500 मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू था उसका, और मैं घर पर रोते रोते जाता हूँ कि सबको बताता हूँ कि 500 तो खो गया, कैसे क्या होगा क्या बताऊंगा घर पर। तो मैंने बहाना बना दिया, गिर गया पैसा, और जो कि वो मेरे सर मेरे हाथ में ही था। फिर सब कोई बोला कैसे गिरा दिए तुम, इतने लापरवाह हो पैसा गिरा दिए 500 रुपये तुम। फिर जब मैं जाता हूँ घर में बताने, सब कोई देखता है पूछता है क्या हुआ, तो फिर
फिर मैं जहां बैठता हूँ मतलब जो भी बेड रहता है सर चौकी पर, मैं उसको ही पैसा हाथ में जो लिया रहता हूँ उसी जगह रख देता हूँ, मेरे को पता भी नहीं रहता कि मेरे हाथ में, फिर रखता हूँ सब कोई देखता है सब, फिर मेरा से वहां बहुत मजाक बनता है, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं सर, तुम्हारे हाथ में पैसा है कब से ढूंढ रहे हो इधर उधर। तो मुझे मतलब कभी कभी सर ऐसा होता है ना कि हमारे आस पास मतलब कोई चीज होती है हमें दिखता नहीं है, हमारे हाथ में पैसा था 500 रुपये, लेकिन मैं पूरा हर जगह ढूंढना है, फिर बाद में रियलाइज हो गया तो मेरे हाथ में तो मेरे था ही पैसा ना, मैं देखा ही नहीं है। अब बहुत मेरा फन हुआ सर। इस पर एक अवधी भाषा में लोकोक्ति है, टखरी बिटिया गांव बहार, है ना। एक भेड़िया आया और पहले लोग बाहर ही लेटते थे, तो अपनी बिटिया को गोद में ली हुई थी। भेड़िया आया, उन्होंने भेड़िया देखा, भेड़िया भाग गया, पूरे गांव में हल्ला मचा दी कि मेरी बेटी को उठा लेंगे, मेरी बेटी को उठा लेंगे, सब दौड़े। बाद में पाया कि उन्हीं के गोदी में ही थी और वो डर के मारे ऐसे बोल रही थी, वही हाल तुम्हारा हुआ था। हाँ नीरू, तुम बचोगी नहीं। हाँ बता। सर नेक्स्ट टाइम, इस बार मुझे कुछ नहीं आता सर। जीवन कोई घर अपने स्कूल टाइम कोई बात बता दो, देखो सब लोगों ने कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया सुनाया है। हमने मोदी जी की स्पीच सुनाया था, हमारा भी हो चुका है। मोदी जी ने आज जो जो मेन मेन की पॉइंट्स बताए थे वो मैंने लोगों को पढ़ाया है। अच्छा पहले तो एक चीज बता दें, बढ़िया खुशी की बात है कि अपनी एप्लीकेशन में जो इशू हो रहा था बार बार, जो 40 मिनट में कट जा रहा था और बफरिंग, देखो नहीं हो रहा ना अभी, कुछ क्लियर है इसको, हमने क्या यस सर, किया। हाँ तो यस सर अपनी क्लियर है। एप्लीकेशन को हमने जूम से इंटीग्रेट करा दिया है, ठीक है। तो आपको लिंक जाएगा, आप क्लास लोगे और उसके बाद क्लासेस उसमें अपलोड हो जाएंगी, तो सारा इशू हम लोगों की समस्या का अंत आज 15 अगस्त को हो गया, ठीक है। लोग टीम खाली इकट्ठा करके, मिनट हाँ तक ही चलेगी, फिर क्लास का टाइम 40 मिनट्स तक ही चलेगी या फिर नहीं, अब ये चाहे दिन भर पढ़ाओ, ठीक है, एक बार में 30 घंटा कंटिन्यू चला सकते हैं, 30 घंटा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो सारी समस्याओं का अंत आज हो गया 15 अगस्त को, ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि फिर मेरा दिमाग इरिटेट हो जाता था, तो मैं जो पढ़ाने का माइंड सेट होता है ना एकदम जोश वाला, वो चला जाता था। अब कुछ नहीं होगा, अब मस्त क्लासेस चलेंगी, 2 घंटा 2.5 घंटा जब तक मन करेगा तब तक बैठा जाएगा, पढ़ा जाएगा, नो रिस्ट्रिक्शन, नो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो जवाब सर। हाँ सर सबका हो चुका सर। हमने स्पीच सुनाया था भाई, जो है स्पीच सुना दिया था मोदी जी का, स्पीच मैंने सुनाया था, तुम नहीं आए थे, तुम्हारी आप सुनाएंगे तो फिर हम एक शायरी सुनाएंगे। सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, वाह रख वाह वाह, हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी है, मंजिल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, विकास फार्म में आ गया है। आयुष तिवारी देख रहे हो, नंबर एक पे चला गया ये। हाँ जी सर, जी सर, तो कुछ करो नहीं जी। सर, बहुत बढ़िया सुनाया विकास ने सर, बहुत बढ़िया बोला, स्पीच भी बहुत अच्छी धन्यवाद लगी। चलो धन्यवाद भाई। वेलकम वेलकम। नीरू देख रही हो कितना लड़का लोग जीत जा रहा है। शेर सुनाएं हाँ सुनाओ सुनाओ, सर, आप कब सुनाएंगे? हमने मोदी जी का स्पीच सुनाया तो था, आज क्या क्या मोदी जी बोले, मेन मेन पॉइंट है ना, की पॉइंट्स फिर से बता दे रहा हूँ जो जो उन्होंने, अच्छा मैंने जो की पॉइंट बताए थे कोई है जो बता सके, मोदी जी की मेन स्पीच में क्या क्या बातें थी वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन जॉब पर उन्होंने बात किया था, और जैसे मेक इन इंडिया था तब उसको थोड़ा सा चेंज किया है ना, डिजाइन इन इंडिया फॉर द ग्लोबल मार्केट, कि हम इंडिया में जो सामान अब बनाएंगे विदेशों में बेचने के लिए बनाएंगे, ऐसा हाई ग्रेड का मतलब, जैसे इंडियन के जो इंडियन ब्रांड की जैसे मोबाइल है और भी चीजें हैं वो सब तो विदेशों में भी खरीदी जाए, ऐसा उसको डिजाइन करेंगे, बेहतरीन क्वालिटी डिजाइन करेंगे, कहने का मतलब ये है ना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे,
500 गीगावाट बिजली 2030 तक भारत को ऐसा खड़ा कर देंगे कि 500 गीगावाट की बिजली काहे से बनाएंगे? रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाएंगे, सोलर एनर्जी से बनाएंगे, विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। भारत को 2047 तक विकसित देश बना देंगे, मोदी जी ने कहा है ना। तो कुछ इस तरह की खास चीजें मोदी जी ने कहा था, उसमें रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अपनी तो फिर से बता दिए हैं, है ना। मेरा तो हो गया भाई, है ना। हाँ सुनाओ, अगली क्या कहना चाह रही थी, बोलो। यस सर, सर बता। शायरी सुनाना चाह रहे हैं। हाँ सुनाओ। आवाज जा रही है सर। बढ़िया, एकदम क्लियर। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर सोने में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तो रोने वाली बात थी, अब है एक हंसाने वाली बात भी बताना पड़ेगा तुम्हें। सर सर एक चुटकुल्ला फिर सुना रहे हैं। हाँ ये बढ़िया है। हाँ सर सुनाया। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ। सर पत्नी बोली, तुम अपने पति से बोली, पत्नी तुमने कभी मुझे सोना या हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया है। तो पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में दिया। पत्नी बोली, ये क्या है। पति बोले, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी बोली, एक जोर से थप्पड़ मारा, गाल पे जड़ दिया और बोली, मैं ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का। वाह वाह, बहुत बढ़िया, काउंटर अटैक था ये तो। ठीक यस सर। है, तो सर मैं अब शुरू कर रहा हूँ सर अब। हाँ बिल्कुल, क्या कर रहे हो, सर सुनाने जा रहे हो? मैं स्पीच, यस हाँ आज तुम एकदम सर मैं स्कूल में दिया था सर, सर आज मैं स्कूल में। हाँ सुनाओ। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। हम युवा भारत देश की ताकत है, हम युवा भारत देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्कार न हो पाएगा ये वतन, तिरस्कार न हो पाएगा ये वतन। सहस्त्र वर्षों तक नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। सर्वप्रथम बुधाए भारत भूमि पर सम्मानित ऑनलाइन मंच को मैं नमन करता हूँ। मान्यवर, हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद पर और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी श्रीमान, आज हमारे देश की लगभग 65% हिस्सा हिस्सा युवाओं का है। मेरे फौज तैयार हो जाएगी और जब भी देश की जरूरत पड़ेगी, यह नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधक धधक धधकती कि अंगारा, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। भारत एक अखंड राष्ट्र है, भारत एक अखंड राष्ट्र है। 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। जी श्रीमान, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, विचारों में, यह युवा आपदा को अवसर, अवसर और परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है, यदि हमारे बड़े हर्ष रखता है, इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की
तकनीकी ज्ञान सहित आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा। जिस दिन से इस देश का युवा आपकी 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 आपको मेरी हम सबकी आवाज को बात बात पर वो विचार विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा। जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद कलाम और गौतम बुद्ध के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा। जिस दिन से इस देश का युवा अपने आत और कौशल और नवाचार की क्षमता को पहचान लेगा। जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य निष्ठा ईमानदार मेहनत लगन देशभक्ति आदि के भाव को दिल की गहराइयों से अपना लेगा। उस दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड अद्भुत अदिति श्रेष्ठ संपन्न मजबूत विकसित सतत भारत का भविष्य। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, राष्ट्र की एकता एकजुटता सबके साथ और विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के नेतृत्व में सतत भविष्य की ओर विश्व गुरु का किताब भारत के पास होगा। जब तक सूरज चांद रहे तब तक हिंदुस्तान रहे। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय। वाह विकास वाह, तुम तो एकदम जोश के साथ आज बोले, एकदम मजा ही आ गया। बड़ा ही जोश है इनकी आवाज में, है ना। और सबसे बढ़िया चीज है कि टेस्ट वेस्ट में भी रेगुलर रहते हैं, है ना। कोई बहाना नहीं, कोई वो नहीं। बहुत अच्छा, तुम एक अच्छे देश के नागरिक भी बन रहे हो और ऐसे ही जोश हमेशा कायम रखो, है ना। क्योंकि जोश युवा में बहुत जरूरी है। मोदी जी ने आज की स्पीच में क्या कहा था कि मुझे 1 लाख लोग, है ना, युवा चाहिए जो राजनीति के क्षेत्र में उतरे। यहाँ पर मोदी जी कहना है कि 1 लाख नए युवा लोग बीजेपी में शामिल हो जाओ, है ना, और देश बदल दूंगा, है ना। तो यानी कि अब अगले आगे आने वाले चुनाव में वरीयता दी जाएगी 30 साल से कम उम्र के लोगों को, युवा, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनका हो चुका। अब वो देश में बदले ना बदले वो ज्यादा बड़ा विजन नहीं सोचेगा। जिसकी उम्र 65 साल है वो आगे 10 साल बाद देश में क्या होगा उसका प्लानिंग वो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसको पता मैं रहूंगा ही नहीं। लेकिन एक युवा है वो प्लान करेगा, वो बड़ा विजन लेके आएगा, दूरदर्शी सोच उसकी होगी, है ना। तो युवाओं के अंदर जोश और होश दोनों ही आवश्यक है ना। मजा आ गया। नीरू, तुम्हारे अंदर की आत्मा कुछ जगी होगी कि नहीं अभी तक इतनी देर में? देखो अभी हो सकता है कुछ जगह थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाते, थोड़ी एक्टिवेट। कुछ लोग एक्टिवेटेड होते हैं, कुछ लोग को धीरे धीरे एक्टिवेट होते ही हैं, है ना। क्यों सपना कहाँ चली गई है? जी सर, नीरू जो है देखो हर चीज में एकदम पहली श्रेणी प्रदर्शन रहता है इनका, चाहे टेस्ट हो चाहे स्पीच हो, है ना। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं, तो आज ये हनुमान जी बनी हुई है ना। क्यों नीरू, कुछ जागी शक्तियां? यस सर। अभी नहीं जगी, अभी नहीं जगी। अच्छा चलिए ठीक है। अंजलि यस बताओ कुछ और, तो खत्म किया जाए मीटिंग, कब का हो गया? वो वो दूसरी अंजलि नहीं आई सर। नहीं, वो नहीं, वो भागोड़ी है, वो भाग जाती है। जब भी टेस्ट होगा भाग जाएगी, फिर पकड़ के लाई जाएगी, 4 बातें सुनेगी तब टेस्ट देने आएगी, है ना। और कोई प्रोग्राम होगा तो भाग जाएगी, है ना। तो क्या ही बताएं, दुखी कर रखा है आपको। सर आरओ एआरओ का पेपर है सर, उसके लिए सर बुक कोई और ले लें। नहीं, घटना चक्र से काम हो जाएगा। ठीक सर। घटना चक्र से क्वेश्चन उसके ज्यादा फंसते हैं, प्लस यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो दिमाग में मेन इंटर होना चाहिए। ठीक सर। हाँ, सारे विषय घटना चक्र पढ़ डालो आरओ आरओ के लिए, फिर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना हम बता ही थे कि आपको खरीद के रखना है वो अरिहंत वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट जो कि आप लोगों को लगाना है ना। तो सर जो घटना चक्र आती है सर, तो अलग अलग सब्जेक्ट की आती है सर, पॉलिटिक अलग आती है, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना सर, अलग अलग सब्जेक्ट का हाँ आएगा जो मतलब। तो भाई घटना चक्र पीसीएस एग्जाम के लिए, आईएएस में तो घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आता है, क्लियर बात है ठीक है। आईएएस में तुम कहो 5 घटना चक्र पढ़ डालो तो 4 क्वेश्चन फंसे। आईएएस के लिए तो कोनो किताब भी रिकमेंडेबल नहीं है ना। पॉलिटी की किताब होती है क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, मतलब पॉलिटी की ही एक ऐसी किताब होती है जो कि बंदा पढ़ करके पेपर देने जाएगा तो उसको क्वेश्चन उसमें मिलेगा। बाकी यूपीएससी में किसी किताब से किसी विषय से आता नहीं। स्टेट पीसीएस आरओ आरओ के लिए राम बाण है घटना चक्र ठीक है। घटना चक्र से मैक्सिमम क्वेश्चन 60% क्वेश्चन घटना चक्र से फंस जाते हैं। घटना चक्र में जो क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो उसको भी हम लोगों को देख करके चलना होगा। फिर कोई आया नया, देखिए कौन आया, आया तो कोई आया है, आया है। हाँ दूसरी वाली निशा कहाँ थी तुम अभी तक हैं? चलो आओ आई हो तो कुछ सुना दो निशा, दूसरी वाली निशा, पहली वाली निशा कुछ सुनाओगी? सभा समापन की ओर है, कुछ चुटकुल्ला सुना दो, शायरी सुना दो। निशा नाम, मतलब एक निशा कुछ नहीं सुना रही तो दूसरी निशा दो सुना देगी तो मान लूंगा, दोनों को बांट लूंगा। सर अभी रुको 1 मिनट। हाँ ये देखो नीरू, देखा तुमने जज्बात यस ये होता है। शुक्र है सर, वो सुना रही है, मेरे नाम की थोड़ी इज्जत बनी रहेगी। दो सुनाना पड़ेगा, एक अपना संति एक तुम्हारा, तब माना जाएगा। तुम चाहो तो अपने जीवन की कोई कहानी भी सुना सकती हो, ऐसी बात नहीं है। अभी सर लोग, मेरा नेट नहीं चल रहा था जब से मैं ज्वाइन नहीं हुई थी। अरे सब लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया गाना वाना सुनाया, चुटकुल्ले सुनाए और विकास ने ढेर सारा भाषण सुनाया। पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं होता था, मैंने कई बार ट्राई किया था। हाँ कोई बात नहीं है, तो अभी आप जो है सुनाइए कुछ बढ़िया। मैं कुछ वो है देश के ऊपर मतलब लाइनें हैं, दिल से निकलेगी ना मर कर भी कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम ए आदमी आजादी, वतन के जा निशार है वतन के काम आएंगे हम, इस जमी जमी को एक रोज आसमा बनाएंगे, इसी जहां इसी दिन तो हुआ था ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान, उस मुल्क की सरहद कोई छू नहीं सकता, जिसे जिस मुल्क की सरहद की निगेवान है आंखें, जहां है आज वो शाम ए वतन के परवाने, बने हैं आज हकीकत उन्हीं के अफसाने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजू ए कातिल में है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो हम तो फिर जंग ही सही, बनाना है हमें अब अपने हाथों अपनी किस्मत को, हमें अपने वतन वतन का अब बेड़ा पार करना है, बस सर इतना ही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ढेर सारी शायरियों को इन्होंने एक कलेक्टिव प्लेटफार्म पर ला करके बड़ा ही सुंदर देशभक्ति से भर देने वाली शायरियां इन्होंने सुनाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया है ना। नीरू कुछ आया? थैंक यू,
चार लाइनें सुना दूंगी सर मैं भी। अच्छा आया, आत्मा जगी नहीं रुकी। क्या करूं सर, और फिर मैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर तुम कुछ सुना दो तो मेरा भी एक रिकॉर्डेड गाना है तो तुम लोग सुना दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, कलम रुकेगी नहीं, कलम झुकेगी नहीं, सच को उठाएंगे, झूठ को गिराएंगे, धर्म को छोड़कर देश को बचाएंगे, एकता बनाएंगे, अनेकता को मिटाएंगे, बाकी रंग छोड़कर तिरंगा फहराएंगे। इतना ही है सर। बस यस सर। चलो, कम से कम तुमने कुछ तो बोला है ना। वैसे भी तुम बाकी चीजों में बहुत अव्वल हो, है ना। अच्छा, स्पोर्ट्स में तुम्हारा कोई है अभिरुचि? स्पोर्ट्स, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो किसी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं? कोई नहीं खेल? मेरा तो नहीं है, अच्छा, नीरू तुम्हारा? मेरा तो सिर्फ स्टडी में है सर, इसके अलावा किसी चीज में नहीं है। चलो बढ़िया है। और कोई? आयुष तिवारी क्रिकेट पिकेट खेलते हो कि नहीं? नहीं सर, स्पोर्ट्स में नहीं सर, एनसीसी ज्वाइन किया था लेकिन। एनसीसी ज्वाइन किया था? वो खेल थोड़ी ना है, तो एक तरह का एजुकेशन है। स्पोर्ट्स एक्टिव, यहाँ पर कोई खेल से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है। गुल्ली डंडा भी हो, कंचे हो, है ना, कोई खेल हो, खेल तो खेल है ना। रूबिक्स क्यूब कोई सॉल्व कर लेता है? सर इट इज वेरी डिफिकल्ट सर, आई सॉल्व, आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व बट आई अनेबल टू सॉल्व। अच्छा चलो, पढ़ाई के से बोर हो जाओ तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम टैलेंट बेस्ड कोई चीज होनी चाहिए जिसको हम करें तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए और हम प्रसन्न भी हो जाए। जैसे डांसिंग, जैसे डांस कर लिया थोड़ी देर तो एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई, पसीना भी बहा। और नृत्य एक ऐसी चीज है जो आपके मन को आह्लाद से भर देता है ना। डांस जैसे कोई करता है तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि जब तक वो अपने आप को नहीं भूलेगा वो डांस ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो 5 मिनट डांस कर लो, गाना लगा करके कान में, है ना, एक्सरसाइज कर, योगा करो, योगा करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज फिजिकल। 10 से 15 मिनट, हर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, 10 से 15 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं करना है, 10 से 15 मिनट कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। चाहे कोई खेल खेलते हैं तो वो खेल खेलें, और यहाँ पर हम आउटडोर खेल की बात कर रहे हैं, है ना। या फिर इंडोर करना है तो आप डांस कर लो, योगा कर लो, वो जो रस्सी कूदने वाला होता है वो भी 2 मिनट में आपको पूरी तरह से पसीना पसीना कर देता है, वो आप कर लो, है ना। करना जरूर चाहिए, क्योंकि इस जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है दो पार्ट है, एक ब्रेन है एनालिटिकल, दूसरा है जो आपको एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट पर फोकस करता है। तो जब दोनों दिमाग में बैलेंस रहता है तब तब जो है व्यक्ति के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं और बहुत अच्छा मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मैं खुद भी अपने जो है लाइफ में अभी भी हूँ स्पोर्ट्स से काफी कनेक्टेड रहा। मैं तो मार्शल आर्टिस्ट भी था, मैंने तो शाओलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट सीखी, 4 साल मैंने मार्शल आर्ट बच्चों को निःशुल्क सिखाया भी, आत्मरक्षा के गुण, शाओलिन, कुंफू और मवाई थाई मार्शल आर्ट। ये मवाई थाई हमने अपने मन से ही सीखा था, है ना, और कुंफू एसोसिएशन, ऑल इंडिया कुंफू एसोसिएशन जुड़ करके मैंने श्री ज्ञान तिवारी सर से मैंने सीखा था कुंफू, और शाओलिन टेम्पल में मैंने उसको सीखा था जहाँ से मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके अलावा मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, और अच्छा शायद कोई गेम नहीं होगा जो नहीं खेलता हूँगा, लगभग लगभग सारे खेल मैंने खेला है। तो उससे क्या है कि आपके दिमाग का सार्वभौमिक विकास होता है,
जो पार्टिकुलर खेल आपके दिमाग के पार्टिकुलर कल पुर्जे पर फोकस करता है, प्रेशर डालता है, तो वो रक्तचाप उस पार्टिकुलर कोशिकाओं पर बढ़ाता है, जिससे कि हर तरह का दिमाग आपके अंदर पैदा होता है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना चाहिए, नहीं तो सिंगिंग करो, डांस करो, कुछ तो एक्टिविटीज इंटरेक्टिव। पेंटिंग करने से भी दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक होता है। मूवीज भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं मूवीज नहीं देख सकते हो, मूवीज से भी हमें समाज में, मूवीज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसी ही मूवीज देखनी चाहिए, है ना। सर आर्टिकल 15 सर बहुत अच्छी मूवी है सर, हाँ, मैंने देखा। जो रियल स्टोरी पर बनी मूवीज हैं और कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज हैं, है ना। ऐसी मूवीज देखने से हमें पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में हो क्या रहा है ना। तो जैसे गांधी मूवी है, और भी जैसा मूवी अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सारी मूवीज में आपको समाज की कोई ना कोई बुराई और कुरीति से अवगत होगे। कैसी भी मूवी देख लो, आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेगा, है ना। समाज में चल रहा कोई ना कोई दिक्कत हर मूवी में दिखाया था, है ना, और उसको एक्टर ने किस तरह से टैकल किया, तो ये भी दिखाता है कि हाँ हाँ भाई, फैंटेसी कुछ में है कि वो मार रहा रजनीकांत, ऐसे घुसा मारा, ऐसे सब मर गया वो, और उसको उसको फिल्टर मारो दिमाग से, जो मेन कंटेंट है, जो मेन थीम है, वो समझ में आती है। बहुत सारी ऐसी, एक अभी SC ST के टार्गेट किया जाता था, उस पर एक मूवी कितनी बढ़िया, बहुत ज्यादा फेमस हुई, मुझे अभी याद नहीं है, 8.9.7 का जो है उसका रेटिंग था बहुत। एक वकील ने किस तरह से एक SC ST को इंसाफ दिलाया, है ना। चक्रव्यूह मूवी जैसे है, जिसमें नक्सलियों की स्थिति को देखने को मिलता है कि नक्सली क्यों बनते हैं, जो कि देश की, हमारे पूरब की, है ना, बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, मणिपुर की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, उड़ीसा की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बहुत बड़ी दिक्कत है ये नक्सलिज्म, और नक्सलिज्म का मुख्य कारण दिखाया गया है। तो हम अवेयर होते हैं अपनी सोसाइटी से, है ना, हमें अपने समाज को समझने का, जानने का अवसर मिलता है, और इंटरटेनमेंट अलग हो जाता है। तो इंटरटेनमेंट भी लाइफ में जरूरी है, और इसीलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब जब आप लवासना सेलेक्ट होकर के जाओगे तो वहां पर भी आपको करवाया जाएगा ये सब, वहां नाटक करवाया जाएगा, गाना गवाया जाएगा, डांस करवाया जाएगा, आपको रोल असाइन किया जाएगा, आपको अपना रोल निभाना होगा, किसी को रावण बनाएंगे, किसी को सीता बनाएंगे, वहां पर भी ये सब कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, आपका सर्वांगीण विकास किया जाता है। एक IAS कौन होता है, जो सब जानता हो, है ना। सर्वज्ञ तो कोई नहीं होता, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा हर चीज का टचअप बना दिया जाता है आपसे, है ना। तो और कोई चीज, कुछ किसी पूछना हो हमसे पूछ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। चलो पहले तुम लोगों को सुना देता हूँ, क्योंकि सर जी हम ही लोगों से खुद सुने, है ना। हमारे कुछ जो कभी कभी जैसे मेरा मूड होता है तो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ, लगभग लगभग सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, और कभी कभी सिंगिंग कर लेता हूँ जैसे मूड फ्रेश करने के लिए, बाथरूम सिंगर बस, जस्ट। तो रिकॉर्डेड है, मैं सुना दे रहा हूँ। स्टार मेकर है सर, मैंने इस पे गाया। ऑडियो कहाँ से ऑन होगा, ऑडियो भी नहीं सुनाई देगा, ऑडियो ऑन करना पड़ेगा ना, यहीं से होता है अभी। वैसे कहाँ, जैसे एक बार हम लोग करते थे, कहाँ ऑडियो नहीं सुनाई देगा। शेयर कंप्यूटर साउंड, हाँ
स्टीरियो होगी।
बहुत अच्छा था सर, सुपर बहुत अच्छा लगा आपका गाना सर, तो। सुपर से ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद, लगाओ ना लगाओ कहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं सर सच में अच्छा, ये आप थे क्या सर? और कौन था? हमारी हमारा चेहरा तो मैं पहचान सर बहुत मस्त था सर। लगने मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्से। अच्छा था सर, बहुत धन्यवाद। तो सभा समाप्त की जाए आज की। आज हम लोग जो है बहुत एंजॉय किए। एक और कहो सुना दें। यस हाँ सर, सॉन्ग बहुत यस सर, अच्छा सुना था। दीजिए। ठीक है, एक और सुना दे रहे हैं, उसके बाद फिर सभा समाप्त। सर इसके बाद मेरा रहेगा सर सिंगिंग, एक छोटा सा। नजारे बन गए लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कहीं गूंजा कहाँ दिल में ये तू आई, कहीं चटकी गली कोई मैं समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जूठ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिख जो खत तुझे जो खत तुझे वो तेरी आ
जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिख जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंगों के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वाह सर, वेरी नाइस। धन्यवाद। अब व्हाट सो वंडरफुल परफॉर्मेंस विकास। हाँ आप तो हर चीज में परफेक्ट हो, परफेक्ट तो नहीं कह सकते है ना, एक्सपर्ट। टचअप थोड़ा थोड़ा बनाया जाता है, हर जब दुनिया में पैदा हुए हो तो कोशिश करना चाहिए कि ईश्वर ने जितने रंग बनाए हैं, ईश्वर के बिखेरे हुए समस्त रंग हैं, हर विधा हर कला ईश्वर द्वारा ही उद्धृत, उसी का रंग है, उसी का नूर है। तो जब दुनिया में आए हैं तो ईश्वर के हर रंग को लगा लो है ना, ईश्वर की सभी नदियों में एक बार गोता लगाओ है ना, सब में अलग चार महा सब में, तो वही प्रयास करते रहना चाहिए थोड़ा मोड़ा है ना। चलिए विकास, आपका एक गाना सुन लें फिर आज की सभा समाप्त किया जाए। अगले साल मैं कोशिश करता हूँ सर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये तो कहो खुदा से मेरा खुदा बड़ा है, आती है आदिया तो करो उनका खैर मकदम, आती है आदिया तो कर उनका खैर मगदम, तूफान से भी तो कह दे खुदा ने मुझे गढ़ा है, हार ना हिम्मत। सर सॉरी सर, मैं भूल गया सर सॉन्ग। देख के गा सकते हो, कोई मना ही नहीं सर, हमको याद था तो। पर बढ़िया गा रहे थे, बहुत अच्छा सर मैं गाऊँ? थोड़ा थोड़ा याद है, मेरे पूरा तो याद नहीं है। हाँ हाँ गाओ गाओ गाओ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो करुण का खैर मकदम, आती है आंधियां तो करुण का खैर मकदम, तूफान से निकले खुदा ने तुझे चुना है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर बस इतना ही है, आगे याद नहीं है। वेरी नाइस, मजा आ गया। तो और कोई है जो कुछ गाना वाना चाहता है, कुछ कहना बताना चाहता है? चलिए बड़ा अच्छा रहा, सब लोगों ने, कुछ लोग नहीं आए है ना, कोई बात नहीं, इनको 26 जनवरी पकड़ा जाएगा।
है ना, और नीरू निशा का पेंडिंग रखा जा रहा है, इनसे एक के बदले दो सुना मैं जा ट्राई करूँ। रहा है। हाँ सुनाने जा रही हूँ क्या? नहीं, हाँ 26 पर। अच्छा, बच्चों की नहीं, उस दिन भागना नहीं देंगे, हो सकता है उस दिन कहेगा तो आएंगे नहीं क्या, इस बार तो हमको आप सुनने के लिए कह के बुलवा लिए, अगली बार तो आप बुलवा भी नहीं पाएंगे ना। नहीं चलिए ठीक है, तो बहुत मजा आई, और फिर से सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, अपने देश से हर चीज से बढ़कर के प्रेम करना चाहिए, राष्ट्रवाद और देशभक्ति, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। जय हिंद, जय भारत।